में कहा जाता है कि पर्दे पर खूबसूरत दिखने वाली जोड़ियां असल में भी इतनी ही खूबसूरत रिश्ते को निभाती हो, ऐसा नहीं होता है। फिल्मों की तरह सच्ची कहानी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने सुनी जरूर होगी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को देख लीजिए, दिलीप साहब और सायरा बानो को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को देख लीजिए, देख लीजिए आप ऋषि कपूर और नीतू की जोड़ी जो थी सुपर हिट। लेकिन बात इन जोड़ियों की हो रही है तो इन जोड़ियों को सुपर हिट पर्दे पर भी देखा गया और रियल लाइफ में भी। लेकिन पर्दे पर एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्में देकर भी सदाबहार अभिनेत्री का टैग अपने नाम में जोड़ने के बावजूद जिस अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में मोहब्बत पाने का कम जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ सपने में बना रहा, उस रेखा की कहानी जुड़ी भी तो महानायक अमिताभ बच्चन के साथ सबसे गहरी, जिसके कारण आज भी है तन्हा अकेली रेखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज अनटोल्ड स्टोरी। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में फिल्म इंडस्ट्री की ही कुछ अधूरी कहानी हम फिर पेश करने वाले हैं। क्यों है अधूरी रेखा की प्रेम कहानी? कभी जुड़ा उनका नाम विनोद खन्ना के साथ तो कभी संजय दत्त, कभी खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार के साथ तो सालों से जुड़ने वाले रेखा के साथ अमिताभ के नाम की होती रही है चर्चा, क्योंकि दोनों में है दूरियां बरकरार। आज भी दोनों एक दूसरे से चुराते हैं नजरें। ना सिर्फ अमिताभ बल्कि बच्चन परिवार से भी रेखा का रिश्ता गहरा होने के बावजूद कभी जलसा में होने वाले इवेंट में शरीक नहीं होती है रेखा। बच्चन परिवार जब भी करता है ऑर्गेनाइज किसी भी पार्टी को तो वहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है, लेकिन नहीं होती है रेखा। जिस तरह से ऐश्वर्या और सलमान के ब्रेकअप के बाद ये दोनों आमने सामने कभी ना हुए, जिस तरह अभिषेक और रानी मुखर्जी का एक दूसरे के सामने आते हुए कभी नहीं देखा गया, उसी तरह से अमिताभ बच्चन भी रेखा के सामने आने से हमेशा दूरियां बनाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि रेखा का रिश्ता जया बच्चन के साथ राजनीति में आने के बाद काफी बदला। ये बात अलग है कि जया बच्चन को दीदी कहकर पुकारने वाली रेखा ने आज भी अपने दिल में ऐश्वर्या के लिए बेटी वाली जगह को बरकरार रखा है। ये बात अलग है कि अभिषेक पर प्यार उमड़ता है रेखा का जब भी होते हैं ये दोनों आमने सामने। लेकिन जिस अमिताभ बच्चन की तारीफ करने से नहीं थकती है रेखा, उस अमिताभ बच्चन के बुरे हालातों में रेखा का दिल कैसे तड़प उठता है आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि मायास्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं अमिताभ, और उस बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी पहली आंख की सर्जरी के बाद अपना दर्द छलकाया, और रिसेंटली उन्होंने सुबह सुबह अपनी दूसरी आंख की सर्जरी को लेकर भी बात की और बताया कि ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा दुखद पल था, लेकिन उनकी जिंदगी के इस मुश्किल घड़ी से वो उभर पा रहे हैं तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद अमिताभ अपने घर पर फिलहाल कैद हैं, और ऐसे में अमिताभ के इस स्थिति में रेखा उनके आसपास नहीं। रेखा जो लगभग दो साल से बॉलीवुड में किसी बड़े फंक्शन में खास तौर पर शामिल नहीं हुई और ना ही बच्चन परिवार से उनकी मुलाकात हुई, उस रेखा का दर्द अमिताभ को हॉस्पिटल में दर्द से बेचैन देखकर कैसे तड़पा था, क्या कहना था रेखा का, जरा सुनिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में रेखा जब इमोशनल हुई, किसी ने सोचा नहीं था कि रेखा इस कदर इमोशनल होंगी। रेखा क्यों हुई इतनी इमोशनल हम आपको बताना चाहेंगे। रेखा इसलिए हुई इतनी इमोशनल क्योंकि रेखा अमिताभ बच्चन को दर्द में एक पल के लिए देख नहीं पाई थी, और उनका दर्द मिटाना तो दूर, उनके दर्द में सहारा भी नहीं बन पाई थी। अमिताभ से रेखा कितना प्यार करती हैं, उन्होंने आज तक जितनी बार भी कबूल किया है खुले दिल से, बिना किसी खौफ के, रिश्ते टूटने के बिना डर से सच्चाई कबूल किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा अमिताभ बच्चन को एडमायर किया है। परिवार को ना छोड़ने का उनका फैसला अमिताभ बच्चन का परिवार के लिए सम्मान, रेखा को हमेशा उनकी तरफ
खींचता रहा है। फिल्म कुली के सेट पर की ये बात है जब अमिताभ बच्चन हो गए थे घायल और फिर उन्हें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा महीनों। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर भी हिम्मत हार रहे थे। जया बच्चन दिन रात एक करके सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी, उनकी जिंदगी बचाने के लिए ईश्वर के आगे गिड़गिड़ा रही थी। तब रोती हुई जया बच्चन के सामने रेखा जाकर एक बार अमिताभ को हॉस्पिटल में बीमार लाचार अवस्था में देखकर कम से कम उन्हें हिम्मत देना चाहती थी, लेकिन रेखा को जया बच्चन ने वहां जाने नहीं दिया था। रोक बैठी थी रेखा को जया। ये किस्सा काफी मशहूर रहा, सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस जोड़ी की रियल लाइफ की ये कहानी काफी ज्यादा चर्चा में रही। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला अमिताभ रेखा की मोहब्बतों की आखिरी सिलसिला जरूर रही, लेकिन इन दोनों का आमने सामने आना हमेशा बरकरार रहा है। गंभीर चोट के बाद जब अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी को लेकर लड़ रहे थे एक एक सेकंड हॉस्पिटल में बीमारी से परेशान, अमिताभ बच्चन को देखने के लिए रेखा तड़प उठी, हॉस्पिटल जा पहुंची, लेकिन उन्हें वहां निराश होकर लौटना पड़ा। अपनी व्यथा रेखा ने एक इंटरव्यू में बयां करते हुए कहा, जरा सोचिए मैं उस व्यक्ति को ये नहीं बता पाई मुझ पर क्या बीत रही है। उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे जीना ही क्यों है, ये बेबसी क्यों है मेरी जिंदगी में, शायद इससे अच्छा होता कि मैं जिंदा ही नहीं रहती, कम से कम ये दर्द तो नहीं होती मुझे। अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते पर लोगों ने हमेशा ही चुप्पी बनाई, लेकिन अमिताभ संग रेखा के रिश्ते पर रेखा खुद कभी चुप नहीं रही। खुल्लम खुल्ला बिग बी के लिए अपने प्यार का इजहार करने वाली रेखा की बदकिस्मती तो देखिए। मुकेश अग्रवाल से 90 के दशक में शादी के बावजूद 9 महीने के अंदर शादीशुदा जिंदगी का अंत होने पर रेखा को कितना ज्यादा एम्बेरस किया गया था, फिर भी रेखा कभी नहीं टूटी। फिर भी रेखा ने दिल खोल कर अपने जिंदगी के लम्हों को एंजॉय किया और खुशकिस्मती कि वो आज जिंदा है इसी बात पर यकीन करते हुए हंसकर मुस्कुराकर हमेशा हर दर्द के घुट को पीती रही रेखा। ऐसे रेखा की जिंदगी में आता रहा है बदलाव, और इस बदलाव को रेखा ने दिल खोल कर किया हमेशा से स्वीकार। रेखा को कभी भी इस बात की तकलीफ नहीं कि उन्हें इस तरह से अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिला। अमिताभ के लिए, उनके परिवार के लिए हमेशा दिल से रेखा की सुबह से दुआएं ही निकली। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का शो अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें हमने आपको सुनाया रेखा का वो दर्द भरा बयान अमिताभ बच्चन को लेकर। हमने आपको बताया कि क्यों आखिर आज भी जया और अमिताभ और रेखा के बीच के विवादित रिश्ते की होती है चर्चा। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी नाम के उस किताब में यासिर उस्मान ने जो जो लिखा रेखा की जिंदगी को लेकर, सारी बातें खुलकर सामने आई, लेकिन रेखा फिर भी बच्चन परिवार के करीब नहीं आ सकी। खैर दोस्तों, यही है आज का शो रेखा और अमिताभ को लेकर। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे यहीं विदा लेने का। फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ही तमाम रहस्यमयी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और मुझे अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।